कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले को शैक्षणिक जगत के लिए कलंकित करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में नर्सिंग काउंसलिंग ऑफ इंडिया के मापदंडों की धज्जियां उड़ाते हुए कॉलेज को अनुमति दी गई, ऐसा उदाहरण पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिला है। कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने कहा कि नर्सिंग घोटाले की जांच के लिए हाईकोर्ट ने सीबीआई को जिम्मा सौंपा, लेकिन जांचकर्ताओं ने सीबीआई को ही कलंकित कर दिया। सीबीआई के अधिकारी 10-10 लाख रुपए लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, ये कैसी सीबीआई जांच है? मुकेश नायक ने कहा कि देश में यह पहला मामला होगा जब जांच कमेटी दोषियों को गिरफ्तार करने के पहले खुद ही गिरफ्तार हो गई। हमने आरोप नहीं लगाया, हमने जो हो रहा है उसका दृश्य दिखाया है। बिल्डिंग नहीं है, टीचर नहीं है, अस्पताल नहीं है, लैब नहीं है, कागजों पे काले चल रहे तो बताएंगे नहीं। चार चार साल की मान्यता एक साल में दी जा रही है, 10-10 लाख रुपए लेते नगद लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, पूरी जांच कमेटी जेल चली गई, किस पर विश्वास करो? इस पर एक जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, हाई कोर्ट के जज को बिठाल कर इसकी विस्तृत नियमित जांच होना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।